अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही खूबसूरत प्यारी प्यारी बाली दिखा रही हूँ। चांद बाली स्टाइल्स हैं, बहुत ही प्यारे, बहुत यूनिक। कुंदन के गोल्ड स्टाइल में ये बहुत खूबसूरत लगते हैं, या प्योर गोल्ड में भी बनवा सकते हैं। लेकिन आजकल एक ऐसा स्टाइल आ रहा है, एक ऐसा यूनिक स्टाइल मिल रहा है हमें मार्केट में, जो कि गोल्ड लुक देता है। उसमें व्हाइट कलर के पर्ल्स ऐड हैं और उसके अलावा बहुत खूबसूरत प्यारा सा गोल्डिश शेड है। इस तरह के ये डिज़ाइंस बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत ट्रेडिशनल लगते हैं। ये राजस्थानी स्टाइल में भी इंक्लूड किए जाते हैं और बहुत डिसेंट लगते हैं। ये मोस्टली जो लड़कियाँ फंक्शंस में जैसे जाती हैं शादी ब्याह के फंक्शंस में, और वो सोचती हैं हम सिंपल डिसेंट सूट पहने, तो वो सिंपल डिसेंट सूट के साथ अगर वो इस तरह की हैवी ज्वेलरी कैरी कर लेती हैं तो उनकी लुक फंक्शन के हिसाब से हो जाती है। यानी कि सिंपल सा अगर आपने ड्रेस पहन लिया, प्लेन, बिल्कुल प्लेन ड्रेस, उसके साथ अगर आपने हैवी ज्वेलरी पहन लिया, लाइक इयररिंग सिर्फ हैवी पहन रहे हैं, एक बड़ा सारा नेकलेस हैवी सा पहन लिया है, तो उससे आपकी लुक बहुत खूबसूरत और फैंसी एकदम से हो जाती है। अगर आपने फुल फैंसी सूट के साथ फुल फैंसी इयररिंग्स भी पहन लिए, तो ऐसे लगता है आपने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर सामान लद लिया है, वो बहुत बुरा लगता है। इसलिए आज से आप ऐसे कोशिश किया करें, इस तरह के इयररिंग्स वगैरह लिया करें, अपने कैजुअल ड्रेसेस के साथ ही वेयर करा करें उन इन इयररिंग्स को। उससे आपकी लुक प्रेजेंटेबल यानी बहुत खूबसूरत लगेगी फंक्शन के लिहाज से। अगर आपको डिसेंट फंक्शन में जा रहे हैं तो डिसेंट ज्वेलरी कैरी करें, लेकिन अगर किसी की शादी ब्याह के फंक्शन में जा रहे हैं और आप चाह रहे हैं आप बहुत ज़्यादा ओवर ना लगें, फैंसी लुक भी रहे और आप कंफर्टेबल भी रहें, जैसे कि स्पेशली ये चीज़ वो सोचती हैं जो शादीशुदा मैरिड लड़कियां हैं और उनके बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा उन्हें तंग करते हैं, तो वो सोचती हैं हम कंफर्टेबल ड्रेस पहने, और साथ में वो हैवी ज्वेलरी अगर पहन लेती हैं तो उस तरह से वो कंफर्टेबल रहती हैं। हैवी ज्वेलरी कानों में से पहन लें, या आप नेकलेस पहनना चाह रहे हैं तो एक नेकलेस पहन लें, उससे आपके ये लुक बहुत अच्छी हो जाती है। क्योंकि लोग हमेशा पहले लुक जो देखते हैं वो आपके फेस को देखते हैं। अगर आपका फेस मेकअप अच्छा हुआ हुआ है और आपने इयररिंग्स पहने में प्रेजेंटेबल, तो आप फैंसी ही लगेंगे। ड्रेस तो हर कोई बाद में देखता है, मोस्टली मैंने फंक्शन में नोटिस किया, हम ड्रेसेस को इतना ज़्यादा नोटिस नहीं करते, बाद में ही